हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन वी नो मैन्स। हम आपको आज एक ट्रिप पे लेके चलेंगे जो एक कहानी है इंसान की परसिवरेंस और करेज की। ट्रिप की कॉस्ट लगभग 15 से 20 डॉलर है। 7 घंटे का ट्रिप रहता है। दिन में 2 ट्रिप चलते हैं, एक सुबह चलता है और एक दोपहर में। कुची टनल पहुँचने से पहले एक स्टॉप लेते हैं शूटिंग रेंज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं हेवी राइफल्स रहती हैं, M16, M30, M60 और फेमस AK-47। इस शूटिंग रेंज में आप जितने चाहें उतने राउंड फायर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग रेंज ऑफ ईच बुलेट इज 600 रुपीज। शूटिंग रेंज के बाद सीधा हम यहाँ आके रुकते हैं, जो कि कुची टनल्स की एंट्रेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टनल में जाने से पहले एक इन्होंने छोटा सा पार्क बनाया है, जहाँ पे पुराने टैंक्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर और लाइट आर्टिलरी रखी है। ये पार्क फ़ोटो खिंचवाने के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, यहाँ फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आती हैं। कुची टनल्स होचीमिन सिटी से, जो कि पहले साइगॉन कहलाता था, लगभग 70 किलोमीटर्स दूर है। टनल्स की शुरुआत इंडिपेंडेंस वॉर के दौरान 1940s में शुरू हुई थी और इसका एक्सपेंशन वियतनाम वॉर 1960 में हुआ था। दीज टनल्स आर एज लॉन्ग एज 220 किलोमीटर्स इन लेंथ। टूर की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री से होती है। ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बताती है कि कैसे 3 लेवल में ये टनल्स डिग की गई थी। रेस्ट एरिया, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट एरिया, सब कुछ था इसके अंदर। छुपने के लिए, सप्लाई इधर से उधर ले जाने के लिए और सरप्राइज अटैक्स के लिए यूज़ की जाती थी। अमेरिकन्स ने इन टनल्स को कई बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, बट उनको कोई सफलता इसमें नहीं मिली। पूरी डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, एंड होते होते तक इट बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग। यहाँ पे 2 तरह की टनल्स हैं। पहली टनल वो है जो इन्होंने बड़ी करी है और अंदर लाइट्स लगाई हैं फॉर द टूरिस्ट, और सेकंड टनल्स वो हैं जो ओरिजिनल हैं और इन्होंने प्रिजर्व करी हैं। आइए दोनों देखते हैं। टनल दिखाने से पहले ही हमें कमांड सेंटर दिखाते हैं और कुछ ट्रैप्स दिखाते हैं। ये ओरिजिनल टनल है जिन्हें नहीं टच किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटे कदकाठी का ही आदमी जा सकता है। अंदर पिच डार्क होता है तो अंदर की फोटो लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हेलो। और ये जिया दूसरी तरफ से बाहर आ गई, एक और दिल दिलाने वाला ट्रैप। इन टनल्स के अंदर घुस के कैसी फीलिंग आती है ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इनको देखिए आप, शुगर है कि इन्होंने ट्रेन नहीं किया था वीसी को। हाय। हाउ आउट। ओ यू डू आर टू बिग। टू बिग। जाओ जाओ। कम अ फ्लैश प्लीज। Put the leaf on the trolley on the leaf. Be careful. Oh, take a photo. That's important. Thank you. Wanna come over here? Come over here. हाथ कैसे जाएंगे? नहीं जा रहे। गो 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 गो। मेरा बाहर निकलने का वेट ना करिए, किसी ने मेरा वीडियो नहीं बनाया बाहर निकलने का। देखने में एंट हिल्स लगती हैं, लेकिन ये एक वेंटिलेशन का जरिया था। पॉज करके टनल राइड्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। ये एक वॉलेंटियर प्रोग्राम था और बताता है कि इंसान कितना बहादुर हो सकता है। ये दूसरी टाइप की टनल्स हैं जो कि मॉडिफाई की गई हैं। इनको बड़ा किया गया है और इनके अंदर लाइट्स लगाई गई हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अनमॉडिफाइड टनल्स के अंदर
किसी भी रीज़न से नहीं जाते हैं, या वो घबराते हैं या अपने साइज़ की वजह से अंदर नहीं जा पाते हैं। ये मॉडिफाइड टनल्स में से भी जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। एंड में आपको कसावा खिलाते हैं, जो कि टनल में रहने वालों का स्टेपल फूड होता था। पार्क से निकलने के बाद ये आप लोग को एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम में ले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ हैंडीक्राफ्ट लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत मास्टरपीसेस बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वियतनाम की पूरी आइटनरी आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।